और फाइनली गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और इस पार्क का जो खासियत वो ये है ना, एंटर करते हैं ना सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए छोटा सा ट्रेन। और हाँ, मैं आप लोगों ने एक बात बताना भूल गया था, इस पार्क का एक और खासियत ये भी है, स्कूटी का चाबी लगा इसी में ही। चाबी था क्या इसमें लगा? गुड मॉर्निंग यू टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसा कि कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बोला था गाइस कि वो जो थीम वाला ब्लॉग था वो अब सिर्फ कल तक ही था, बाकी बैक टू नॉर्मल। और आज मैं कुछ जा रहा हूँ इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने के लिए, वो भी न्यू दिल्ली, और बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं सब लोगों ने, काफी अच्छा लगे आप लोगों को। बाकी वो जो लोकेशन है ना, मैं सोच रहा हूँ वो अभी नहीं, आप लोगों को वहाँ जाकर डिस्क्लोज करते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। बाकी कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, और मिलते आप लोगों को अब दिल्ली में। और फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वेस्ट ऑफ वंडर, पीछे आप देख सकते हो ये जो है ना न्यू दिल्ली में है, और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो है हजरत निजामुद्दीन। इससे ना हार्डली आपको 300-400 मीटर है वहां से। और इस पार्क का जो टाइमिंग होने वाला है वो गए सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला होता है। बाकी चलते अभी अंदर, क्या टिकट प्राइस होने वाला है, क्या सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और सामने यहाँ से एंट्री है, और जो टिकट प्राइस होने वाला गाइज ये भी आप सामने देख सकते हो, 50 रुपये है एडल्ट के लिए, और अगर आप संडे को आते हो तो सीधा डबल 100 रुपये है, और बच्चों के लिए 25 रुपये, और सेम अगर आप संडे को आते हो तो सेम डबल है आपका 50 रुपये। और पार्किंग यहाँ पर मैंने सामने पार्किंग आपको मिल जाएगा स्कूटी का, तो उसका जो मैंने ना 20 रुपये पे किया अलग से, बाकी टिकट लेते और अंदर चलते। और फाइनली गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, और इस पार्क का जो खासियत वो ये है ना, ये पूरा ही वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया गया, जिसमें 7 एकड़ में ये पूरा एरिया, और 7.5 करोड़ लगा था इसको पूरा बनाने में, जिसमें 150 टन से भी ज़्यादा ना इसमें स्क्रैप यूज़ किया गया। और इसका जो इनाग्रेशन है वो 21 फरवरी 2019 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। बाकी अभी चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। एंटर करते हैं ना सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए छोटा सा ट्रेन भी है, जहाँ पे आप आराम से ना वो लोग खेल सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। सामने वो बुल वाला वो भी देख सकते हो, और एक छोटा सा कैफे भी है वहाँ पे, आराम से खाना वाना खाना हो तो उससे खा सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों ने एक बात बताना भूल गया था, इस पार्क का एक और खासियत ये भी है ना कि ये 7 अलग अलग देशों का जो 7 अलग अजूबाए है ना, या फिर उसका जो खूबसूरती है, या फिर जो फेमस प्लेसेज है उसको दिखाएगा यहाँ पे, जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं। और एंटर करते हैं ना सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, ये है पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको है ना बनाने में मतलब 10 से 12 टन इसमें स्क्रैप यूज किया गया, जो कि इजिप्ट का ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। बाकी यहाँ से भी आप चलते हैं अंदर, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बांस का बनाना काफी अच्छा क्यूट सा ये देखने में लग रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, सेल्फी ले सकते हो ना, काफी अच्छा स्पॉट है ये भी। और सेकंड अभी हम देखने आए हैं, ये है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ये है ना, अब देखोगे दूर से तो ये थोड़ा सा ना टिल्ट रहता है, और ये जो है इटली का फेमस है, जिसको बनाने में 9 से 10 टन स्क्रैप लगा था। और मैं आप लोगों को ना बता दूं यार गाइस, मेरे को पता है मैं थोड़ा सा डम हूँ, बट इतना ज्यादा ना मैं चीजें भूल जाता ना, मेरे को पता ही नहीं। मैं अंदर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, शूटिंग सब कुछ स्टार्ट हो चुका, और मेरा जो स्कूटी का चाबी है ना वो भी बाहर स्कूटी में लगा। अभी जल्दी से चलते जाके ना पहले स्कूटी का चाबी लेकर आते हैं। स्कूटी का चाबी लगा इसी में ही, चाबी था क्या इसमें लगा? अच्छा बात ये रहा ना कि भैया ने चाबी निकाल कर रख लिया था। थैंक यू भैया, मेरा ना दिमाग से निकल गया था ये चीज़। और फाइनली मेरे को ना अभी चाबी मिल गया, भैया ने बहुत गंदा ही प्रैंक कर दिया था, जाते ही कहते नहीं आपका छूटा ही नहीं, मैं भी डर गया था यार। फिर अभी सबसे बड़ा टेंशन क्या रहा था ना, चाबी एक ही है मेरे पास, बट अभी मिल गया, चलते फिर से भी अंदर एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने भी आप देख सकते हो स्कूल के सारे बच्चे भी आए हुए, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग होने वाला। बाकी है ना ऐसे और भी चीज़ें जहाँ पे एक्सप्लोर मैं कर सकता हूँ ना, आप लोग जरूर बताना, बाकी एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। You can't stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back ever again. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो आपको सबको पता होगा, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क का फेमस, और ये भी आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये सब है ना वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया गया है। और अभी हम नेक्स्ट देखने आए, ये है क्राइस्ट ऑफ रेडिमर, ये ब्राजील का फेमस है, जिसको बनाने में ना 4 से 5 टन इसमें स्क्रैप यूज किया गया है। ये भी पार्क है ना यार गाइस, काफी अच्छा और वेल मेंटेन करके रखा गया है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है ना इतने अच्छे से मेंटेन करा गया है ना। बाकी आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे, एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी ना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall. You
और इसको तो कौन नहीं जानता गाइस, ये है ना आगरा का फेमस ताजमहल, जो कि ना अगर आप लोगों को देखना होगा तो इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। बाकी हाँ, ये शाहजहां ने क्यों बनवाया था ना, ये आप लोग कमेंट करके बताना बस। और ये नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो, ये है कोलोसम, ये इटली का फेमस है जिसमें ना 10 से 11 टन इसमें लगा था स्क्रैप इसको बनाने में। बाकी आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है यार देखने में ना, स्क्रैप से भी बनाकर इतने अच्छे से ना यार, काफी अच्छा लग रहा है ये। देखने जा रहे हैं ये आईफिल टावर, ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये पेरिस का जो फेमस है पेरिस फ्रांस, वहाँ का आईफिल टावर, काफी अच्छा लग रहा है ये देखने में। सामने ये देख सकते हो, सामने बच्चे सब, ये फोटो सब बच्चों के लिए काफी अच्छा जगह है, यहाँ पे ये लोग फोटो सब कुछ क्लिक करवा रहे। बाकी चलते भी यहाँ से तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं यहाँ से घर। बाकी ऐसे ऐसे जगह और भी अगर एक्सप्लोर करना हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा ना, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आओगे ना आराम से, बच्चों के साथ तो खासकर बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला ये सारी चीजें। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से घर, सीधा एडिट करते। सो फाइनली गाइस, मेरा अभी एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है, आज का ब्लॉग आप लोग बताना ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और हाँ गाइस, अभी कुछ कमेंट ऐसा आया है जिन्होंने बोला है कि मुझे अभी इसी थीम पे बनाने को, एक दो डीएम भी आया था, अनएक्सपेक्टेड था वो भी, कि लोग अब इंस्टाग्राम पे मुझे कह रहे, तो भी एक और ट्राई लेते। बाकी एक फ्रेंड ने भी मुझे सेम सजेस्ट किया ये चीज, तो अभी मैं देखते कल है ना कुछ अलग ट्राई करने वाले, कुछ अलग वो हो सकता शायद आप लोगों को ना अच्छा लगेगा। बाकी आज वाले वीडियो पे ना सच में थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जैसे ना बीच में जैसे व्यूज डाउन हुआ था ना, अब तो थोड़ा सा बढ़ा है, तो मैं सोच रहा कि चलो ठीक है एक और ट्राई लेकर देखते हैं। लेकिन हाँ, कल कुछ अलग ट्राई करने वाले, वो देख के आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो करते हम यहीं पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो नीचे बटन है ना उस बटन को दबाना है, दबा के सब्सक्राइब करना है कि जैसे ही नया वीडियो आए वो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और मेरे को ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लगा, और मेरे को पता है यार मैं थोड़ा सा ना डम हूँ, बट और हाँ आप लोगों को एक बात में बहुत, और हाँ आप लोगों ने मैं एक बात बताना भूल गया था, इस पार्क में ना 7 अलग अलग, और बस इस पार्क में बस इतना ही था। और यहाँ से भी हम निकलते हैं घर, और क्या था ये,